शहरी गरीबों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए 14 अप्रैल से चलेगा विशेष अभियान। नगरीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संस्थाएं निभाएं सहभागिता। राज्य स्तरीय भू अधिकार सम्मेलन में राजस्व मंत्री ने कहा। और प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुए प्रदेश के झील सरोवर। ग्वालियर के टेकनपुर सिरसा क्षेत्र में दिख रही पक्षियों की कई प्रजाति। नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहरों में वाहनों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को वाहनों की संख्या कम करने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शहरी लोक परिवहन को सुगम और बेहतर बनाने की जरूरत बताई है। शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सबके लिए आवास योजना के तहत गरीबों के लिए बनाए जाने वाले आवासों में मध्य प्रदेश को आदर्श राज्य बनाने की भी बात कही। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शताब्दी वर्ष के मौके पर 14 से 25 सितंबर तक शहरी गरीबों को विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि नगरीय निकायों द्वारा प्रदाय की जाने वाली सेवाएं और सुविधाएं लोगों को आसानी से मिल सके, ऐसे व्यवस्था बनाई जाए। बैठक के दौरान बताया गया कि अमृत मिशन में प्रदेश के 34 शहरों को शामिल किया गया है। राजधानी के समन्वय भवन में राज्य स्तरीय भू अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्वयंसेवी संस्था पैक्स के सफर पर आयोजित इस सम्मेलन में समावेशी विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री रामपाल सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाएं शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहभागिता निभाएं। उन्होंने समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को शासन की प्रत्येक योजना का लाभ दिलाने में स्वयंसेवी संस्थाओं के महत्व को रेखांकित किया। सीएम ने कहा कि गरीब के गरीब हो जाने की वजह से वास्तविकता का पता चलता है और तभी इसके कल्याण के लिए कोई काम किया जा सकता है। कार्यक्रम में बताया गया कि मुख्यमंत्री ने सर्वहार वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की हैं। इसी उद्देश्य से वर्ष 2016 को गरीब कल्याण वर्ष घोषित किया है। राजस्व मंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया। बुलंद आवाज, बढ़ते कदम, उनकी आवाज, उनके अधिकार, उनको दिलाने का काम आप कर रहे हैं और इससे बड़ा कोई काम सेवा का हो नहीं सकता। और इसलिए मैं आपकी पूरी टीम को फिर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर विभिन्न निवेश संभावनाओं पर चर्चा की। इस दौरान जानकारी दी गई कि रायसेन जिले के तामोट में प्लास्टिक पार्क परियोजना में प्लास्टिक उत्पाद की लगभग 75 से ज्यादा इकाइयां स्थापित होने की संभावना है। प्रस्तावित इकाइयों में लगभग 773 करोड़ का निवेश संभावित है। इस परियोजना से लगभग 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं 15,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिले। सर्दियों के मौसम में कई विदेशी पक्षी प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर प्रवास के लिए पहुंचते हैं। ग्वालियर के नदी तालाबों और सरोवरों पर भी इन पक्षियों का हुजूम देखा जा सकता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ग्वालियर के सिरसा और टेकनपुर सहित कई स्थान इस समय प्रवासी पक्षियों से गुलजार हैं। हजारों मील का सफर तय कर यहाँ पहुंचे ये पक्षी इन दिनों शहर की अलग अलग झीलों और सरोवरों में अपना डेरा डाले हुए हैं। करीब 4 महीने के लिए ग्वालियर को अपना आशियाना बनाने वाले इन मेहमान पक्षियों की कुछ प्रजातियां जैसे कूट लिटिल, ग्रीव, पिकटेल, पिंटेल और ब्लैक आईविस को अभी देखा जा सकता है। ठंडा मौसम और अच्छे भोजन की चाह में यहाँ पहुंचे इन प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। तो सुनने में यह आया है कि तिकरा बहुत अच्छी जगह है और ग्वालियर में पर्यटन स्थल जगह जगह घूमने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस समय जो प्रवासी पक्षी, जो बाहर के जो पक्षी आ रहे हैं, जो कभी देखे नहीं जाते हैं किसी भी जगह और किसी भी इंसान के द्वारा,
हम लोग जो नहीं देख पाते वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और इनकी सुरक्षा के लिए अन्यत्र इन लोगों ने इंतजाम किए हैं, वन विभाग ने किए हैं और प्रशासन के कुछ और लोग भी, प्रशासनिक अधिकारी लोग भी कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर इतने सारे पक्षी देखने को मिलेंगे जो शायद हमने कभी जीवन काल में नहीं देखे अभी तक। सर्दी के मौसम में ग्वालियर की विभिन्न झीलों में साइबेरिया, मंगोलिया, चीन, रूस, जॉर्जिया सहित कई मध्य एशियाई देशों से पक्षी आते हैं। इन प्रवासी पक्षियों की देखभाल और सुरक्षा को लेकर वन विभाग भी काफी संजीदा नजर आ रहा है। प्रवासी पक्षी यहाँ पर लगभग 30 तरह के प्रवासी पक्षी आते हैं, जिसमें आपके फ्लेमिंगोज हैं, ब्लैक स्टॉर्क है और आपके ओपन बिल्ड स्टॉर्क है, इस तरह के पक्षी यहाँ पर आ रहे हैं। तो वो उन पक्षियों की बराबर हम लोग निगरानी कर रहे हैं। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि प्रवासी पक्षियों को किसी भी तरह से डिस्टर्बेंस ना हो, उनको कोई व्यवधान ना हो जनता की तरफ से और बदमाशों की तरफ से भी, कि वहां जाके कोई आदमी उनको मारे, तो उसकी एक तो सुरक्षा हम लोग करते हैं वहां पर। जानकारों के मुताबिक फरवरी के महीने में इन प्रवासी पक्षियों की संख्या में और इजाफा होगा और पर्यटकों को अधिक खूबसूरत पक्षियों के नजारे देखने को मिल सकते हैं। पक्षियों से प्रेम करने वाले और जंतुशास्त्र के रुचिवंत लोगों के लिए यह मौसम खास अनुभव देने वाला होता है, जहां उन्हें कई देशों की विभिन्न पक्षी प्रजातियों का दीदार एक स्थान पर ही हो जाता है। ग्वालियर से नवीन नायक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री और गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान उनका स्थानीय लोगों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जिले के ग्राम उकावद कला में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। सांसद सिंधिया ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी और उनका त्वरित निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर बामौरी विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया, पश्चिम मध्य रेल मंडल के DRM आलोक कुमार सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे। के होने के पहले ही मैंने 2 स्टेशनों को बजट में शामिल की, भारत सरकार के रेल बजट में। एक था म्याना 7.5 करोड़ का और दूसरा था हिनोतिया 6.5 करोड़ का, और धन्यवाद तीसरा था पाडर खेड़ा पोरी क्षेत्र में 5.5 करोड़ का। और आज मैं रेलवे के विभाग के सभी अधिकारियों को इस मंच से मैं बधाई भी देना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं। रेल कर्मचारी यूनियनों ने रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं में विदेशी निवेश का विरोध किया है। कर्मचारियों ने 7वें वेतनमान में व्याप्त विसंगतियों और अपनी अन्य मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। भोपाल स्थित मध्य रेलवे के परिमंडल कार्यालय में कर्मचारियों के इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में रेलवे के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। रेलवे के विभिन्न कर्मचारी संघों के बैनर तले आयोजित धरने के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर रेलवे प्रशासन ने गौर नहीं किया तो वे भविष्य में अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। वेतन पे 26,000 रुपए होना चाहिए, बेचारे में कमी की गई है, वो रिस्टोर करना चाहिए, CCL के अंदर जो कटौती की गई है वो समाप्त किया जाए और हम लोग FDI PPP जो लागू की जा रही है रेलवे में उसको समाप्त किया जाए, न्यू पेंशन स्कीम को जो है वो समाप्त करके पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक एवं रासायनिक अपविष्ट मैनेजमेंट पर PSD चैंबर ऑफ कॉमर्स ने वर्कशॉप का आयोजन किया। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल क्षेत्र के सभागार में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में इलेक्ट्रॉनिक एवं रासायनिक अपशिष्ट, इसके कारक और निराकरण पर विशेषज्ञों ने चर्चा की। कार्यशाला के दौरान समस्या से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण पर हो रहे दुष्प्रभावों एवं चुनौतियों के संदर्भ में विशेष बल दिया गया। कार्यशाला में लोगों ने इस विषय से संबंधित जिज्ञासा का भी समाधान किया। जेरोसाइट, जेरोफिक्स, ग्राइंड स्लग, स्पेंट पॉड लाइनर, CDP स्लग, मार्बल स्लग, डोलर चार, वेस्ट स्टोर्ड इन कैपी SLF, फ्लावर टेलिंग्स, ऑयल टेलिंग स्लग, इज आर द यूज मटेरियल। और इसी खबर के साथ अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शहरी गरीबों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए 14 अप्रैल से चलेगा विशेष अभियान। नगरीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश।
शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संस्थाएं निभाएं सहभागिता। राज्य स्तरीय भू अधिकार सम्मेलन में राजस्व मंत्री ने कहा। और प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुए प्रदेश के झील सरोवर, ग्वालियर के टेकनपुर सिरसा क्षेत्र में दिख रही पक्षियों की कई प्रजातियां। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आइए अब आपको दिखाते हैं प्रदेश की 10 अन्य बड़ी खबरें 3 मिनट में फटाफट अंदाज में। लंबे समय से खाली पड़े 19 निगम मंडलों और आयोग में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों के नामों की घोषणा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों की 2 वर्ष तक रहेगी। मैहर विधानसभा उपचुनाव के लिए गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी एमसीएमसी की पहली बैठक 23 जनवरी को निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में होगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रियान्वयन की होगी समीक्षा। गणतंत्र दिवस को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां तेज, भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होगा मुख्य कार्यक्रम, परेड के लिए जमा कर रहे हैं रिहर्सल। प्रदेश के कॉलेजों में रिक्त 2395 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होगी जल्द, राज्य लोक सेवा आयोग इस माह के अंत में जारी कर सकता है विज्ञापन। पन्ना जिले में हीरों की नीलामी प्रक्रिया में शामिल हुए मुंबई सूरत सहित देश के अनेक हिस्सों से आए व्यापारी, 239 हीरे हुए नीलाम। बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थी 25 जनवरी तक करा सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल में मूल दस्तावेज, इसके बाद निरस्त कर दिए जाएंगे फॉर्म। सर्विस प्रोवाइडरों की हड़ताल खत्म होने के बाद ई रजिस्ट्री का काम फिर से हुआ शुरू, एक दिन में 225 से ज्यादा दस्तावेजों का किया गया रजिस्ट्रेशन। प्रदेश में पहली बार होगी गिद्धों की गणना, वन विभाग का क्षेत्रीय अमला अपने अपने क्षेत्र में करेगा गिद्धों की गिनती, भोपाल जिले में करीब 7 जगहों पर पाए जाते हैं। उज्जैन सिंहस्थ को लेकर सभी तैयारियां अंतिम चरण में, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नवलखा बीड रोड पर हवाई पट्टी बनाने का काम हो रहा है। मावठे की बारिश के बाद राजधानी समेत प्रदेश के अनेक अंचलों में ठंड से कपकपाया प्रदेश, गुरुवार को भी सुबह कई जगह 5 डिग्री तक नीचे दिखा पाता पारा। और 3 मिनट में 10 खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम चर्चा में, नमस्कार।